ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं अज्ञानंध से ज्ञाजनशलाकया चुर्मीत येन नमः श्री, श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम वंदेहमं श्री गुरो श्रीयुतपकमल श्री, श्री गुरून्वैष्णवांश्रम सह गण रघुनाथ तम सजीव साद्वैतम सवधूतम पिजन सहित कृष्ण चैतन्यमं श्रीराधा पाद सह गण लिता हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णुपाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषायशून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणि जय श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम हरे 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 कृष्णा सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के दूसरे सत्र में हुँ? तो कल हमने क्या क्या देखा था हमने देखा था कि किस प्रकार युद्ध के मैदान में सब सेनाएं तैयार है दोनों पक्ष की सेनाएं तैयार है और हुआ क्या है ये हुआ है कि अर्जुन को भ्रम हो गया है अर्जुन सोच रहे हैं कि अरे मैं किनसे युद्ध करने जा रहा हूं मेरे ही सगे संबंधी मेरे ही पितामह मेरे ही गुरु इन सब से मैं युद्ध करने जा रहा हूं हाँ इनकी हत्या करके क्या मुझे जो राज्य मिलेगा उससे मुझे सुख मिलेगा इस प्रकार के अनेक विचार अर्जुन के मन में आए हमने देखा कि किस प्रकार उनके मन में दया उत्पन्न हुई और फिर उनको लगा कि इससे मुझे पाप लगेगा है ना पाप लगेगा यह भी एक विचार मन में आया फिर विचार आया कि इससे मुझे क्या खुशी मिलेगी क्या आनंद मिलेगा कोई आनंद नहीं मिल सकता सभी को मार के अगर मुझे इस पृथ्वी का क्या तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा इस प्रकार के विचार उनके मन में आए और फिर चौथा आया विचार कि इससे जब सारे पुरुष यहाँ पर खत्म हो जाएंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि युद्ध में तो एक पक्ष की मृत्यु होना तो स्वाभाविक है, है ना और जब आगे हो पांडव जैसे वीर योद्धा और हो श्री कृष्ण है ना श्री कृष्ण किन के साइड में थे अर्जुन के साइड में थे पांडवों के साइड में थे तो निश्चित रूप से जहाँ पर श्री कृष्ण है वहां तो विजय होनी है और तब सारे लोग मारे जाएंगे पुरुष लोग मारे जाएंगे और फिर होगा क्या कि उनके परिवार में रह जाएंगे केवल महिलाएं और और बच्चे और इस प्रकार फिर क्या होगा उन स्त्रियों का शोषण होगा और शायद अवांछित संतानें पैदा होगी शोषण के कारण और अवांछित संतानों से समाज खराब हो जाएगा समाज दूषित हो जाएगा है ना इस प्रकार के विचार आए और फिर ये सब सोच के ये सब मन में विचार आने के कारण वे में पड़ गए थे है ना ये हमने पिछले अध्याय में कल के अध्याय में देखा था उसी प्रकार हमने देखा था कि जो शंख बजे थे अर्जुन और कृष्ण के शंख उनका ध्वनि कैसा दिव्य था उन वो ध्वनि सुनकर के कौरों के तो हृदय कांप गए थे है ना तो इस प्रकार विजय के तो सारे लक्षण पांडवों के तरफ दिख ही रहे थे कि जैसे अर्जुन के रथ पर था जो ध्वज उस पर स्वयं हनुमान जी विराजित थे और वो रथ भी दिव्य था है ना गांधी धनुष जो अर्जुन के पास था वो भी दिव्य था श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे फिर कुरुक्षेत्र का मैदान जो कि एक पवित्र स्थल माना जाता है तो पवित्रता किसके साथ किसका साथ देगी वो अपने भक्तों का साथ देगी है ना भक्तों की तरफ पवित्र पवित्रता बह कर जाएगी है ना और फिर क्या देखा हमने कि जब युद्ध शुरू हुआ ना वो दिन कौन सा था मोक्षदा एकादशी का दिन था तो ऐसे सारे शुभ लक्षण थे जो इंडिकेट कर रहे थे कि विजय तो होगी अर्जुन के साइड की पांडवों की विजय होगी ये सब मिल रहे थे ठीक है लेकिन अर्जुन हो गए भ्रमित और उन्होंने अंत में क्या किया था पहले अध्याय के अंत में उन्होंने अपना गांधी धनुष रख दिया और रथ में बैठ गए और कृष्ण को बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण ठीक हाँ, है यहां पर हमने पहला अध्याय खत्म किया था अब दूसरा अध्याय देखते हैं जिसका नाम है गीता का सारांश है ना तो प्रभुपाद जी का स्मरण करके और श्री कृष्ण और राधा जी को नमन करके हम चलिए आगे बढ़ते हैं गीता का सारांश देखेंगे ठीक है तो इसके शुरुआत भी संजय कर रहे हैं संजय कौन थे ध्रत राष्ट्र के, के सचिव हाँ? और ये भी महान पुरुष थे व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी थी कि जिससे वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है क्या घटनाएं हो रही है तो उसका आ, उसको वो देख सके सुन सके ठीक है तो इस प्रकार ये आ, अध्याय शुरू हो रहा है संजय उवाच तम तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण विशीदंतमिदम उवाच मधुसूदन संजय ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे मधुसूदन कृष्ण हाँ? तो मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं आ, उनको उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था तो ऐसे ही अज्ञान रूपी राक्षस का वे वध करने जाएंगे अभी अज्ञान रूपी राक्षस कहां पैदा हुआ है अर्जुन के मन में है ना ठीक है तो यहाँ भगवान पहली बार भगवत गीता में पहला वाक्य बोल रहे हैं उन्होंने पहले अध्याय में एक भी शब्द नहीं बोला क्यों नहीं बोला क्योंकि वे एक महान गुरु के रूप में यहाँ पर है और गुरु तब तक अपने मुख से शब्द नहीं निकालता जब तक अपना शिष्य अपनी शंकाएं व्यक्त करते रहे है है ना प्लीज म्यूट रखे सब लोग तो तब तक एक अच्छा गुरु कभी भी बीच में टोकता नहीं है ठीक है तो श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्गम अर्जुन परम पिता परमेश्वर ने कहा मेरे प्यारे अर्जुन ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं है ना तो यहाँ पर मेरे प्यारे अर्जुन क्योंकि दोनों दोस्त थे ना सम समकालीन थे एक ही आयु के थे तो इस प्रकार वे अपने दोस्त को क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे अर्जुन ये तुम क्या सोच रहे हो ऐसे विचार तुम्हारे मन में कैसे आए जैसे हमने कल एक उदाहरण देखा था कि एक परीक्षार्थी है बहुत होशियार है डेफिनेटली वो टॉप करने वाला है सबको विश्वास है और वो जाकर के परीक्षा के इसमें बोले कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा मैं पेपर नहीं लिखूंगा तब फिर सब लोग ऐसे बोलते हैं ना अरे ये तुम क्या सोच रहे हो भाई हा? तुम तो टॉप करने वाले हो तुम तो इतने होशियार हो तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो उसी प्रकार यहाँ पर परम पिता परमेश्वर यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था संजय उवाच धृतराष्ट्र उवाच अर्जुन उवाच फिर यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं यहाँ पर श्री भगवान उवाच क्यों लिखा है तो ये है व्यास हमको समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है वे स्वयं भगवान है तो भगवान का अर्थ यह है? है कि वे षड ऐश्वर्यों से युक्त ऐसे हैं छह ऐश्वर्य है ना तो उसमें ऐश्वर्य हम किसको मानेंगे कि देखिए कोई बहुत सुंदर रहा तो हम बोलते हा क्या सुंदर है वो व्यक्ति कोई बहुत धनवान रहा तो बाप रे कितना धनवान है वे व्यक्ति है ना तो ये सारे ऐश्वर्य कोई बलवान रहता है तो उसका वो बल उसका ऐश्वर्य तो इस प्रकार से छह है जो सारे मतलब ऐश्वर्यों को कवर करते हैं ठीक है थीके? तो छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है अब ये युक्त यानी इतने नहीं कि चलो है भाई बहुत धनवान है पैसे हैं तो अंबानी के जैसे या और किसी के जैसे ऐसा नहीं उनका ऐश्वर्य ऐसा है कि उनके जितना कोई नहीं उनसे ऊपर तो नहीं नहीं है ना उनके समान कोई नहीं ऐसे ऐश्वर्यों से ये है। तो वे सबसे ज्यादा सुंदर है सबसे ज्यादा बलवान है सबसे ज्यादा ज्ञानी है और क्या आ, 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 ऐसे छह ऐश्वर्य है ना आ, रूप गुण देखिए ताकत उनमें सबसे ज्यादा है फिर आ, सबसे ज्यादा वो त्यागी भी है सबसे बड़ी बात तो यह है ज्ञानी भी है त्यागी भी है सुंदर भी है ताकतवान भी है हाँ तो ऐसे सारे षड ऐश्वर्य जो है वे उनमें है और संपूर्ण प्रमाण में है संपूर्ण उनके जितना किसी में भी नहीं ऐसे ऐसा उनका स्वरूप है इसलिए उनको भगवान कहा जाता है भग, भग याने आईश्वर्य, आईश्वर्य, ऐसे वान जैसे अपन बोलते हैं ना दयावान वो बहुत दया करता है तो उसको दयावान बोलेंगे लेकिन यहाँ पर भगवान यानी षड ऐश्वर्य से युक्त जो है वे भगवान ऐसे श्री कृष्ण ठीक है अब आगे जा करके फिर यहाँ पर तो है ही अर्जुन फिर वे सातवें श्लोक में बोलते हैं कार्पण्य दोषो स्वभाव पृछा मि ताम धर्म समूढ़ चेत येय ब्रूहित में शिष्य स्थेह प्रपन्नम अब यहाँ पर अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मुझे तो अब कृष्ण की शरण लेना चाहिए मित्रता अब हटा देनी चाहिए मित्रता तो अभी तक कर ली लेकिन अब मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ कि यहाँ मुझे मार्गदर्शन चाहिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए और श्री कृष्ण से बढ़कर गुरु कौन हो सकता है है ना तो इसलिए ये सातवें श्लोक से अर्जुन अपने आप को उनका शिष्य मान के उनके शरण में जाते हैं कृष्ण की शरण लेते हैं ठीक है तो दिस इज द टर्निंग पॉइंट है ना सातवां श्लोक जो है ना ये गीता का पहला टर्निंग पॉइंट है कैसे कि अभी तक कृष्ण और अर्जुन दोस्ती के रूप में थे लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से अर्जुन उनके शरणागत होता है और उनको गुरु मान करके अपना हम मैं शिष्य हूं इस रूप में अपने आप को वो सादर करता है ठीक है तो यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूं ऐसी अवस्था है अर्जुन की देखो इतने महान धनुर्धर लेकिन वो हैं अपने आप को मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं कृपया मुझे उपदेश दें। ना, कितना सुंदर अभी तक वो जो दोस्ती का भाव था वो अब छोड़ करके यहाँ गुरु और शिष्य के भाव से ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है क्या चिंता का कारण है भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली यानी ये भौतिक जगत में हम जो व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं अपने मन में जो विचार हम धारण करते हैं वे ही सब कुछ आ, हम हमारे लिए चिंता का कारण है ठीक है ये स्पष्ट हो गया क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं इसलिए हम चिंतित है इसलिए हम दुखी है तो ये भौतिक जगत ऐसा है कि जहां पर पग पग पर उलझन मिलती है अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके आवश्यक क्या है गुरु की शरण में जाना ये एक के लिए आवश्यक है गुरु ऐसे वैसे नहीं होते गुरु प्रत्यक्ष कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं गुरु का सम्मान करना गुरु से आज्ञा लेना ये हर भौतिक जगत में अटके हुए जीव के लिए आवश्यक है बहुत ही आवश्यक है नहीं तो और नकली गुरु आपको गड्ढे में ले जाएंगे और भौतिक जगत में उलझा के रखेंगे ठीक है तो गुरु कैसा हो प्रामाणिक गुरु अब प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं प्रामाणिक गुरु यानी जो गुरु शिष्य परंपरा से जिसने ज्ञान प्राप्त किया है है ना गुरु शिष्य सबसे प्रथम गुरु तो कृष्ण कृष्ण है है और कृष्ण के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है, वो वंश परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से जिसने प्राप्त किया है वो प्रामाणिक गुरु एक लक्षण दूसरा लक्षण उसने स्वयं सत्यता मतलब वो स्वयं एक महान भक्त है ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया नहीं केवल ज्ञान आध्यात्मिक जगत के लिए नहीं वो स्वयं एक भक्त होना चाहिए हुँ? तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया है प्रामाणिक गुरु के लिए तो हमको बताया जा रहा है कि भौतिक जगत में तो हमारे ऊपर संकट आएंगे ही हमें चिंताएं आएंगी ही उससे हम बच नहीं सकते हम्म तो इनसे बचने का एक ही उपाय है कि प्रामाणिक गुरु की शरण ले लो और फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें समझ में आएगा उनके द्वारा क्योंकि जीवन मिला है तो जीवन का उद्देश्य भी तो होना चाहिए ना तो उद्देश्य क्या है ये हमको समझना है क्या खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है नहीं ये तो ये भी करते हैं प्राणी भी करते हैं कुत्ते बिल्ली भी करते यही काम तो हम उनसे कुछ अलग है कि नहीं मनुष्य जीवन जब मिला है तो हम कुछ उनसे ऊपर होने चाहिए ना कुछ में एक्स्ट्रा होना चाहिए ना प्राणियों से कुत्ते बिल्ली से अधिक का कुछ होना चाहिए तो इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है आहार निद्रा भय मैथुन चत पशु भी नाराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नही ना पशु भी ठीक है पशु भी समाना क्या तो न, न, आहार निद्रा भय मैथुन वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं निद्रा वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं भय वो भी डरते हैं और हम भी डरते हैं डरते कैसे भविष्य में क्या होगा मेरे पास बुढ़ापे के लिए सफिशेंट पैसे हैं कि नहीं डरते रहते हैं इसलिए इंश्योरेंस करते हैं और बहुत सारे सिक्योरिटीज वो करके रखते हैं भय हमेशा हमारे हमारे अंदर रहता है चोर आएगा तो दरवाजा लॉक करके रखो है ना सब ये भय तो जानवरों में भी भय है हम में भी भय है और मैथुन यानी वे भी बच्चे पैदा करते हैं और हम भी बच्चे पैदा करते हैं बस ये चार क्रियाओं के चार क्रियाओं में पूरा जीवन खत्म हो जाता हमारा लेकिन ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं और हम भी करते हैं तो हमें विशेष क्या है विशेष है धर्मों ही एको अधिको हो। धर्म का अवलंबन करना ये केवल मनुष्य के लिए पॉसिबल है कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े ये नहीं कर सकते तो धर्म का अनुपालन करना यानी क्या यानी इस जीवन का उद्देश्य समझना और उद्देश्य क्या होना चाहिए उद्देश्य यह है कि हम भगवत धाम को प्राप्त करें जो हमारा ओरिजिनल घर है जो हमारा परम धाम है वो प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए हर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके अर्थात भगवत प्राप्ति करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सके ऐसा प्रामाणिक गुरु हमको हमने लेना चाहिए समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भबक उठती है ठीक है तो ये जो जीवन में हमारे संकट आते हैं कुछ परेशानियां आती है कोई तकलीफें आती है मन खराब हो जाता है ये सब तो आना ही है ये कैसा है जैसे कि जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता लेकिन अपने आप ही पेड़ों का घर्षण होता है और आग अपने आप भबक उठती है वैसे ही हमारे जीवन में संकट आते ही रहते हैं हाँ ठीक है तो ऐसे दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भवक उठती है इसी प्रकार विश्व विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है कोई नहीं चाहता कि आग लगे किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्याधिक व्याकुल होते हैं अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए यही इस श्लोक का तात्पर्य है कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी की जय तो इस प्रकार इस श्लोक का हम तात्पर्य देखे हैं कि हमें जीवन की उलझने आती ही रहेगी लेकिन हमको उसका निराकरण कैसे करना है प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर तो यहाँ पर देखिए अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु मान करके उनकी शरण ले ली है उनके सामने नतमस्तक होकर और हाथ जोड़ करके वे बैठे हैं है ना अब भगवान का क्या मतलब है है ना भगवान ऐश्वर्य से समग्र से वीर से श्रिया ज्ञान वैराग्य शन्नाम भग इति रणा समग्र ऐश्वर्य जिनके पास है वो वीर है यशस्वी है श्री यानी उनके पास धन है है ना ज्ञान है वैराग्य है है ना ये सब जो है ये जिसके पास समग्र है पूर्ण रूपेण है वे भगवान अब हम देखेंगे तीन स्टेजेस भगवान को जानने के तीन चरण होते हैं भगवान को जानने के ठीक है तो कैसे हैं सबसे ऊपर तो परमेश्वर भगवान भगवान को हम परमेश्वर भी कहते हैं परम ईश्वर जो परमेश्वर और दूसरे स्टेज पर है परमात्मा ये कौन है भाई परमात्मा परमात्मा वो है जो हर जीव के हृदय में वास करते हैं हर जीव के हृदय में भगवान स्वयं अपने परमात्मा स्वरूप में ऑल परवेडिंग स्वरूप जिसको कहते हैं सर्वव्यापी स्वरूप ऐसे स्वरूप में भी हर जीव के चाहे वो कुत्ता बिल्ली चीटी हाथी कुछ भी हो वो उसके अंदर स्थित है हुँ? और तीसरा है ब्रह्म ज्योति यानी ब्रह्मजेंस ब्रह्म ज्योति के स्वरूप में तो यहाँ पर हम उपमा दे सकते हैं सूरज की ठीक है तो सूरज की उपमा देखेंगे तो सूरज का प्रकाश हम रोज देखते हैं सूरज की किरणें देखते हैं हमारे घर में पहुंचती हमारे सारे रूम्स में पहुंचती सूरज की किरणें तो ये हुआ एक आ, सूर्य का व्यापक स्वरूप जो हम तक पहुंचता है ठीक है फिर उसके ऊपर अगर हमको सूरज को जानना है तो हम सूरज की सतह तक जाएंगे सूरज का सरफेस उसका स्टडी करेंगे है ना ये सेकंड लेयर हुई सूरज के अभ्यास की सपोज हमको अभ्यास करना है तो और तीसरा वो क्या है तीसरा है सूरज सूरज के तह के अंदर भी जा करके और सूरज में कौन कौन निवास कर रहे हैं सूर्य देवता कौन है और सूरज में क्या एक्टिविटीज होती है ये सब कुछ जानना रूप गुण लीला सब कुछ जानना सूरज के बारे में वो अंतिम स्टेज है ना वैसे ही भगवान को जानने के है, एक तो है, ब्रह्म जो सब, फैली हुई है फिर परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है और तीसरा है भगवान जो अपने नित्य द्विभुज स्वरूप में घन श्याम रूप में श्याम सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप में ऐसे स्थित है तो ऐसे ये स्टेजेस होती है भगवान को जानने की अब हमको बहुत लोग बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है क्या हम भगवान को देख सकते हैं तो भाई हम कैसे देखेंगे देखेंगे यानी जैसे हम हम हमारे हाथ को देख रहे हैं ग्लास को देख रहे हैं क्या हम ऐसे देख सकते हैं भगवान को जी नहीं क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है ना आंख कान नाक मुंह है ना त्वचा ये सारी जो ज्ञानेन्द्रिया है ये सारी त्रुटिपूर्ण है तो हमारी दृष्टि ही सही नहीं तो हम कैसे दिखेंगे ठीक है तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि दूर से हम कहीं जा रहे हैं और हमको एक दूर एक टेकड़ी है लेकिन दूर से जाते हुए हमको कैसा लगेगा वो एक धुंधली सी कुछ ऐसा लगेगा शायद बादलों से कुछ ढका हुआ बादल फैले हुए हैं है ना धुंधला धुंधला कुछ तो भी दिखेगा लेकिन क्या है एग्जेक्टली exactly, पता नहीं चलेगा फिर हम थोड़ा सा पास में जाएंगे तो हाँ टेकड़ी तो है जिसमें कुछ झाड़ भी लगे हैं पेड़ लगे हुए हैं ये दूसरी स्टेज में हमको पता चलेगा और तीसरी फाइनल स्टेज में हम क्या देखेंगे अरे इसमें तो बहुत हरे भरे झाड़ है और उसमें हरे भरे तोते भी बैठ के फल खा रहे हैं ये जब हम पास में जाएंगे तब हमको दिखेगा तो क्या ये सब पहले से नहीं था पहले से था लेकिन हमारी दृष्टि कमजोर है हम दूर से तो देख ही नहीं पाते हैं कि वहां तोता है और वहां हरे भरे झाड़ है ये हम दूर से देख नहीं पाते तो इसमें दोष किसका है हमारी दृष्टि का दोष है है ना तो इस इस प्रकार हमारी इंद्रिय अपूर्ण है तो हम जब दूर से एक आधे किलोमीटर डिस्टेंस का कुछ नहीं देख पाते तो हम भगवान को कैसे देखेंगे है ना तो हम हमारी इंद्रियों से ये पॉसिबल नहीं है कि हम भगवान को देखें हमारी इंद्रियां बहुत छोटी पड़ती है हमारी बुद्धि बहुत छोटी है तो इस बुद्धि से भी हम भगवान को नहीं जान सकते केवल हम जान सकते हैं भक्ति के माध्यम से भक्ति के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं है भगवान को यथारूप जानने का हाँ हम जान सकते जैसे सूरज की किरणें जान गए उतना जान सकते हाँ हाँ थोड़ा सा सूरज के सरफेस तक भी गए उतना जान सकते लेकिन उसके आगे नहीं तो केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान को यथास्थिति जान सकते हैं ये सूरज की किरणें हैं, फिर सूरज का सतह है और सूरज अंदर वाले जो देव है है ना सूरज के अधिष्ठाता देवता उनको जानने के लिए जैसे हम भगवान को जानने के लिए प्रयास करें भक्ति रूप से हम्म तो ये सुंदर रूप में हमारे श्याम सुंदर कृष्ण अब भगवान उपदेश देना चालू कर रहे हैं हम्म अब अर्जुन को शिष्य बना लिया अब भगवान यहाँ पर अलग अलग तरीके से अर्जुन को समझाएंगे ये अध्याय है गीता का तो इसको इसमें अलग अलग तरीके से उपदेश दिया है भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए और फिर उनको आगे जा के विस्तृत रूप से और अधिक समझाया है तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं देहे कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता तो हम देखते हैं हमारे ही जीवन को हम देख ले हम बचपन की फोटो निकाल कर देखे तो क्या ये मैं था अरे ये तो मैं इतना सा था फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ साइकिल चलाने लग गया स्कूटर चलाने लग गया कार चलाने गया। और अब इतनी उम्र हो गई है फुल फुल्ली ग्रोन एडल्ट है ना तो ये सब कैसे हुआ केवल शरीर बदलता गया लेकिन मैं तो वही था है ना तो मैं यानी कौन मैं यानी आत्मा शरीर तो हमारे ऊपर का आवरण है जो निरंतर बदलते रहता है है ना तो ये जीवन में ही हम कितने बार शरीर शरीर का रूप हमारे बदलता है तो फिर आगे जाकर जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता तब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और दूसरे शरीर में चली जाती है है ना आत्मा दूसरे शरीर में चले चले जाता है और धीर व्यक्ति यानी क्या कि जिसको पूर्ण रूपेण ज्ञान है इस परिस्थिति का वो इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता वो समझता है कि हाँ ये आत्मा एक शरीर को छोड़ दी है दूसरे शरीर को प्राप्त करके वो आ, कहीं और जन्म लेगी है ना तो इस प्रकार के परिवर्तन से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मोह को प्राप्त नहीं होता तो यहाँ पर ये साइकिल दिखाई है किस प्रकार ये एक मृत्यु हो गई मृत्यु के बाद भ्रूण में वो आत्मा गई गर्भ में गई माता के माता चाहे आ, मतलब मनुष्य रूप में हो या फिर कोई प्राणी रूप में भी हो सकता है तो यहाँ पर ये माता के गर्भ में आत्मा गई और फिर ये बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा धीरे 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 बड़ा आत्मा वही है आत्मा कांस्टेंट है शरीर बदल रहा है और ये ऐसे होते होते फुल्ली ग्रोन एडल्ट हो गया उसके बाद वो बूढ़ापे की तरफ बढ़ गए और बूढ़े होते 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 एक दिन ऐसा आया कि उस शरीर का कोई काम ही नहीं बचा तब आत्मा ने उसको छोड़ दिया और दूसरे शरीर में प्रवेश करके वो दूसरे यात्रा में निकल गई आत्मा ठीक है ना तो ये हमारे जीवन का सभी के जीवन का जो जो भौतिक दुनिया में है, है। उन सब के लिए ये चक्र चालू ही रहता है। इसमें किसी को भी इससे छुटकारा नहीं मिलता जब तक भौतिक जीवन में है जब तक भौतिक जगत में कोई जीव है हाँ भौतिक जगत से परे हो जाए आध्यात्मिक जगत में चले जाए तब इन सब से छुटकारा मिलता है तब ये जीवन मृत्यु से छुटकारा मिलता है यहाँ पर जीवन है और यहाँ मृत्यु ये कॉन्स्टेंटली साइकिल चलती ही रहती है ठीक है तो इस प्रकार के मोह से वो अः मोह वो मोहित नहीं होता दुखी वगैरह नहीं होता फिर आगे जाकर इस प्रकार अब आत्मा के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है हम्म तो ये ये बहुत फेमस श्लोक है तो हम जिस प्रकार से हमारे पुराने कपड़े या मेले कपड़े हम उतार फेंकते हैं और नए स्वच्छ कपड़े परिधान करते हैं बस वैसे ही आत्मा नवीन नभी नवीन शरीर धारण जाती है और नया नया नए नए रूप में इस भौतिक जगत में रहती है ठीक है तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपात बोल रहे हैं अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है है ना आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से से अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा तो वृद्धावस्था में होते रहते हैं वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है ठीक है ना तो हाँ, हम लोग तो हम वैदिक साहित्य हम आ, मतलब थोड़ा ना थोड़ा हमारे भारतवर्ष में हम रहते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा ये कान पर आता है कि हाँ एक आत्मा रहती है शरीर में फिर वो देह को छोड़कर चली जाती है तो आत्मा रहती है इसका प्रमाण क्या इसका प्रमाण यह है सिम्टम यह है कि हमारे शरीर में चेतना है है ना हम हिल रहे हैं डुल रहे हैं हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है बचपन से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर चेतना है और चेतना क्यों है क्योंकि आत्मा है है ना तो ये हम लोग तो सब जानते हैं लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं खास करके वेस्टर्न दुनिया के तो वे लोग आत्मा के आत्मा, आत्मा पर विश्वास नहीं करते लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये हृदय की धक धक जो हो रही है वो कैसे हो रही है भाई ये कैसे हो रही है क्या एनर्जी है उसमें कि वो अपने आप चल रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कोई हमारे शरीर में काम करता है तो वो किस प्रकार काम करता है काम करता है ये पता है लेकिन उसका बेस क्या है ये किसी को नहीं पता है वहां पर तो हमारे शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं कि ये आत्मा का अस्तित्व है जो हमारे शरीर में चेतना उत्पन्न करता है और ये सारे बाल्यकाल से कौमार अवस्था से तरुण अवस्था से वृद्धावस्था ये सारे चेंजेस आते हैं केवल आत्मा की उपस्थिति के कारण चेतना के कारण ठीक है और फिर उसका आगे क्या होता है उसका आगे ये होता है कि वृद्धावस्था में वो शरीर वो छोड़ देता है आत्मा और दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है ठीक है ना तो ये हमारा वैदिक साहित्य हमको इतने सुंदर तरीके से इसको डिफाइन कर सकता है अब आत्मा है कैसी आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये अभी भगवान बताने जा रहे हैं नैनम छिंदी शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम न शोषयति मारुतः यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कोई भी चीज़ का आत्मा पर असर नहीं होता ठीक है तो इस प्रकार यह आत्मा अत्यंत दिव्य है और आत्मा का साइज क्या है पता है आप लोगों को आत्मा का साइज है हमारे हेयर का टिप हमारे बाल का अग्र भाग जो है बहुत ही छोटा होता है है ना? उसको अगर हम दस हजार हिस्सों में इक्वल भाग में काटेंगे छोटे से हिस्से को अग्र भाग के इतने से पार्ट को अगर हम दस हजार हिस्सों में काटेंगे तब जाकर वो आत्मा का साइज होता है और वो किसी भी माइक्रोस्कोप से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं दे सकती आत्मा इतनी सूक्ष्म है ठीक है सामर्थ्य अब यहाँ तक हमने क्या देखा आत्मा के बारे में बता रहे इसका ये बोलने का तात्पर्य ये है हम लोग तो ये शॉर्ट में ले रहे हैं ना इसलिए हम मैं बीच का थोड़ा सा बता दे रही हूं कि ये आ, अर्जुन को क्यों बता रहे भगवान इसलिए कि भगवान बता रहे हैं कि तुम भी आत्मा हो और ये यहाँ पर जो भी उपस्थित है युद्ध करने के लिए सब आत्मा रूप में है तो तुम अगर उनको शस्त्र मार करके उनकी उनको मार रहे हो तो भी क्या हो रहा है उनका केवल शरीर का नाश हो रहा है आत्मा का नहीं आत्मा तो अविनाशी है इस प्रकार से ये एक आर्ग्यूमेंट देकर भगवान समझा रहे हैं ठीक है अब दूसरे तरीके से भगवान समझाएंगे अवाच्यवादांश बहुन वदिष्य तवाहिता निंदंत स्तव सामर्थ्यम तथो दुख तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे तुम्हें तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है है ना तो अब दूसरे तरीके से भगवान समझा रहे हैं कि अरे लेकिन तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा तुम्हारे जो शत्रु है ना वो तुम्हारे बारे में छीत करेंगे हाँ तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे अरे वो क्या योद्धा है वो क्या वीर है बिल्कुल नहीं है है ना इस प्रकार से तुम्हारे लिए वो कटु शब्द बोलेंगे और अगर वो शब्द तुम न, न, मतलब उन शब्दों से तुमको कितना दुख होगा उससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है तुम्हारे लिए कि जो एक शूर वीर क्षत्रिय हो उसके लिए ये कोई बोले कि ये तो कमजोर है ये तो डर के भाग गया ये शब्द तुम्हें बहुत दुखदाई लगेंगे हाँ फिर तीसरा आर्गुमेंट भगवान दे रहे हैं हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से तस्मात उत्तिष्ट कौंते युद्धा कृत निश्चय हे hey, कुंती पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो अब ये तीसरा आर्गुमेंट है भगवान का ये कैसे आर्गुमेंट से जो अर्जुन की पांच विचार थे ना पांच समस्याएं जिनके कारण अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा उनको काउंटर कर रहे हैं भगवान हरे को जैसे अर्जुन ने बोला था मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा इन लोगों को मार के मुझे राज्य भी मिल जाएगा तो मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं अरे कैसे सुख नहीं मिलेगा तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के लिए तो युद्ध में मारे जाना बहुत बड़ी अच्छी बात मानी जाती है तो तुम अगर मारे जाओगे युद्ध करते हुए तो तुमको स्वर्ग निश्चित मिलेगा और अगर जीत जाओगे तो यहाँ का भोग करोगे इसलिए तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है कहीं से भी तुम्हारा नुकसान नहीं है इसलिए तुम युद्ध करो हम्म ऐसे समझा रहे हैं कि आ, मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे और जीत गए तो जीत गए तो पृथ्वी का राज्य का उपभोग करोगे और फिर भगवान भक्ति मार्ग का उपदेश दे रहे हैं नेहा भिक्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही रास अपितु तो इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है तो इस प्रयास में यानी भक्ति मार्ग के प्रयास में भगवान ये बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो तुम सारे इसका यश अपयश जो जो भी होना है इसका फल जो भी मिलना है वो मुझे अर्पण करते हुए तुम करो और इस प्रकार तुम अगर करोगे यानी भक्ति के मार्ग में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी है ना कोई हानि नहीं होगी चाहे तुमको तुम्हारी जीत हो या चाहे हार हो तुम्हारी हानि नहीं होगी और इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी यानी छोटी से छोटी प्रगति भी अगर तुम करो भक्ति मार्ग में तो तुम्हें तुम्हारा महान भय से रक्षा हो सकती है, है ना इतने सुंदर तरीके से अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते हुए भगवान उनको समझा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है हनुमान जी का हनुमान जी ने अपने पूछ में आग लगा के पूरी लंका को जला दिया था कैसे क्या वे अपना पराक्रम दिखाने जा रहे थे कि देखो मैं कितना शूरवीर हूं कि मेरे केवल पूछ के सहारे मैं पूरी लंका को जला सकता हूँ बिल्कुल नहीं वे तो पूरे भक्त थे तो वो क्या दिखाना चाह रहे थे कि मैं भगवान की सेवा में ये कर रहा हूं उनको खुद का क्रेडिट नहीं चाहिए था लेकिन भगवान की सेवा रामचंद्र जी की सेवा में उन्होंने इतने महान कार्य किए है ना तो ये यानी उस समय भय लगा के उनको कि अरे मैं भी जल जाऊंगा नहीं सारे भय से ये भक्ति का मार्ग जो है भक्ति का अनुसरण करके हमको सारे भय से मुक्ति मिलती है <coughs> तो ये यहाँ पर संस्कारों की बात कर रहे हैं भगवान कि किस प्रकार छुटपन से बचपन से हम छोटे 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 कार्य द्वारा हम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं हम्म अब आगे बोल रहे हैं आंसर टू क्वेश्चन फाइव है ना कौन सा पांचवा क्या था असमंजस में पड़ गए थे ना अर्जुन पहले अध्याय में हमने देखा तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं व्यवसाय बुद्धिर एक नंदन बहु शाखा बुद्ध व्यवसायी नाम जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ठीक है तो जो एक लक्ष्य लेकर चलते हैं जहां यहाँ पर अर्जुन का ही उदाहरण बताया गया है अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य सभी बच्चों की परीक्षा ली थी तब एकाग्रता केवल अर्जुन में दिखी थी है ना तो जब वो पक्षी के आंख मारने के लिए बोला गया था सबको पूछा तुमको क्या दिख रहा है तो क्या किसी ने बोला मुझे हरा भरा पेड़ दिख रहा है उसमें बड़े सुंदर फूल और फल लगे हैं है ना और उसमें वो चिड़िया भी है है ना इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जवाब दिए थे बच्चों ने लेकिन एक अर्जुन ही थे कि उनको बोला कि तुमको उस चिड़िया के आंख में तुमको बाण मारना है अब तुमको क्या क्या दिख रहा है तब अर्जुन अखलौते थे जो बोले मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरु है ना तब ये एकाग्रता तो उनकी खुद की एकाग्रता का स्मरण करवा रहे हैं भगवान है ना कि इस मार्ग पर यानी भक्ति मार्ग पर वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है हा? जो हे कुरुनंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है तो वो ये भी सोचते हैं ये भी सोचते हैं ऐसा करते हैं लेकिन जो भक्ति मार्ग में एक बार लग गया वो व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है ना एकाग्र बुद्धि होती है एक लक्ष्य निर्धारित करके उसी तरीके से उनकी उनके विचार चलते हैं ठीक है तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन के एक एक एक, एक, एक शंका का निरसन किया है और फिर आगे बोलते हैं <coughs> त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो हम्म तो ये प्रकृति के तीन गुण ये क्या है तीन गुण यानी एक है सत्व गुण दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण ये तीन गुण जो है गुण का अर्थ संस्कृत में रस्सी होता है ठीक है तो ये तीन प्रकार की रस्सियां हैं जिसे हमको प्रकृति बांध के रखती है इस भौतिक जगत में हम्म तो ये तीन गुणों का वर्णन पर वेदों में तया हुआ है तो ये तीन गुण तो ठीक है वेदों में बताया गया कि किस प्रकार आप तमोगुण से रजोगुण में आ जाओ वो अच्छा है फिर तो रजोगुण से सत्व गुण में आ जाओ वो अच्छा है लेकिन भगवान बोल रहे है, तीनों गुणों से तुमको ऊपर उठना है हा? हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो तुम तब कहीं जाकर तुम इस भौतिक जगत को पार करने में सक्षम हो जाओगे तो भौतिक जगत में जब तक है हम तब तक हमको क्या है ये द्वैत तो द्वैत बहुत सताते हैं। तो ने सुख है दुख है सुख आता है तो आहा हम आनंदित है दुख आया तो रोने लगते हैं है ना सब प्रकार के अपोजिट द्वै द्वैत तो जिसको बोलते हैं या द्वंद्व बोलते हैं तो ये कैसे हैं यश अपयश है ना सर्दी गर्मी फिर आ, सुख दुख तो हमने बता, देखा लाभ-हानि है है ना ऐसे अनेक में हमारा जीवन उलझा रहता है। जब हमारे मन की इच्छा पूर्ण होती है तो हम अपने आप को भाग्यवान समझते सुखी समझते और जब हमारे मन का नहीं होता हम बहुत दुखी हो जाते है ना उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया उसने मेरा अपमान किया फिर उसने मेरा मान रखा मान अपमान ये सब उलझनों में हम उलझे रहते ये सारे द्वैत है, है, ना? फिर है ना और सुरक्षा असुरक्षा ये सब चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं आत्मपरायण बनो भगवान बोल रहे हैं तीनों गुणों से ऊपर उठ के आत्मपरायण यानी आत्मा में ही संतुष्ट रहो आत्मा की ओर ही ध्यान दो ये बाहरी जगत की ओर तुम हाँ जितना आवश्यक है उतना तो ध्यान देना पड़ेगा लेकिन आत्म परायण बनना यानी आत्मा का ध्यान रखते हुए आत्मा की प्रगति की ओर निरंतर हमने अग्रसर होना ये है आत्मा परायण होना है ना आत्मा को सफल बनाना ठीक है आगे भगवान बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हे तुर्भुर माते संगोस्व तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसको एक्चुअली हमने सबने रटना चाहिए अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रखना चाहिए रोजमर्रा में काम आने वाला ये श्लोक है क्या है हम जैसे कर्तव्य कर, हमको करना ही है कर्तव्य करने का हम हमारा अधिकार है लेकिन उसका फल क्या प्राप्त हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है उसका फल अच्छा भी मिल सकता है बुरा भी मिल सकता है लेकिन तुमको अपने कर्म करने का अधिकार है वो तुमको कर्म करना है तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो कि हाँ देखो मैंने इतना अच्छा काम किया इसलिए मुझे प्रमोशन मिला ना है ना कि वो फल मिला है तो तुम उसके अधिकारी हो तुम्हारा कर्म फल है ये कभी नहीं अपने आप को कारण मत मानो और तीसरा तीसरा क्या है न ही कर्म न करने के करने में कभी आसक्त हो जाओ कि जाओ मैं कर्म ही नहीं करता हाँ मुझे लाभ होना है हानि होना है उससे अच्छा है मैं कर्म ही नहीं करता ये भी नहीं करना है तो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्म करने पर अधिकार है हाँ लेकिन कर्म के फलों के अधिकार नहीं है और अपने आप को कर्म के फलों का कारण नहीं मानना है और कर्म न करने में भी आसक्त नहीं होना है ठीक है तो ये बहुत सुंदर ज्ञान यहाँ पर हमको मिलता है कि जीवन में हमको कैसे करना है अपने कर्तव्य तो हमको करने ही हैं उसका फल अच्छा मिले बुरा मिले लेकिन कर्तव्य है तो मुझे ये करना है है ना लेकिन आगे क्या बोलते हैं कि अच्छा फल मिले या बुरा फल भी मिले तो भी अपने आप को कारण मत मानो ठीक है तीसरा कि ऐसा भी नहीं कि जाओ मैं कर्म ही नहीं करता मुझे काम ही नहीं करना है ये भी नहीं ठीक है तो इस प्रकार से हमको हमारे जीवन में इसको अपनाना है फिर आगे भगवान बोलते हैं प्रजहामन सर्वान पार्थ मनोगतान श्री भगवान ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है तो ऐसा मनुष्य यानी जिसको मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति यानी मन में इच्छा उत्पन्न होती है अपने आज अच्छे पकोड़े खा ली खा लिए जाए बरसात हो रही है है ना ठीक तो, है ना तो ये मन में उत्पन्न होते हैं इंद्रिय तृप्ति के, के आज चलो मूवी देखने जाए हम्म तो उससे जरा एंटरटेनमेंट हो जाए या चलो आज क्या कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट में चले जाए तो ये सब क्या है इंद्रिय तृप्ति और ये कहाँ से उत्पन्न होती है मनोधर्म से मन से उत्पन्न होती है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं है ना तो ऐसी इच्छाओं का जो परित्याग कर देता है इंद्रिय तृप्ति के विषय में वो उदासीन हो जाता है परित्याग कर देता है और इस तरह से उसका मन विशुद्ध हो जाता है क्योंकि ये सारी इंद्र तृप्ति क्या करती है हमारे मन में अलग अलग प्रकार के कलमश भर देती है मैल भर देती है हमारे आत्मा के ऊपर हम्म तो जब ये सब कामनाओं का परित्याग होने के बाद हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो व्यक्ति वो जीव अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है उसको बाहरी एंटरटेनमेंट की आवश्यकता ही नहीं वो ईश्वर को अपने अंदर ही देखता है और अपने आत्मा को ईश्वर में ही लगाए रखता है तब उसको कहा जाता है? स्थित प्रज्ञ है ना उसकी बुद्धि स्थिर हो गई स्थित प्रज्ञ है ना प्रज्ञ यानी प्रज्ञा यानी बुद्धि और स्थित यानी स्थिर स्थिर बुद्धि वाला उसको कहा जाता है तो यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है महाराज का आयु कितनी है इनकी वर्ष की और ये महान भक्त थे कैसे भक्त बने ये तो माता के गर्भ में थे ना तभी उन्होंने नारद मुनि के द्वारा बताए गए भागवतम सुना था भागवतम की कथाएं सुनी थी और वे तो गर्भ से ही एक जब निकले तो महान भक्त थे तो पांच वर्ष की आयु में आते-आते इतने स्थिर बुद्धि हो गए थे वे कि निरंतर भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण का स्मरण और कीर्तन करते रहते थे तब उनके पिता तो थे हिरण्यकश्यप जो असुरों के राजा थे और वो इतने शक्तिशाली थे कि कहा जाता है कि वो देवताओं को अपने अपने ब्रुकटी के इशारों से नचाते थे देवता लोगों को इतने ये अ, मतलब प्रभावशाली और बहुत बलवान थे लेकिन अः प्रहलाद महाराज तो केवल विष्णु का नाम लेते थे और हिरण्य कश्यप बोलते थे विष्णु वगैरह कुछ नहीं तो मेरी पूजा करो मेरा नाम लो बस और ये नहीं मानते थे तब उनको प्रताड़ित करने के लिए देखे अलग अलग प्रकार से कभी राक्षसों के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है सांप उनको कटवाए जाते हैं सब कुछ लेकिन ये इतने स्थिर बुद्धि थे कि वो हमेशा विष्णु का स्मरण करते थे अवश्य रक्षी बे कृष्ण यानी राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखे के वो सोचते थे अगर कृष्णा को मेरी रक्षा करना है तो मुझे कोई नहीं मार सकता और अगर कृष्ण को मुझे मारना है तो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता इतने स्थिर बुद्धि होकर के वे बैठे मतलब सब कुछ सहन करते थे उनको अग्नि में डाला गया फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ है ना तो अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया और हमारे अभी अभी के कंटेम्पररी श्रीला प्रभुपाद जी जो इस में बिल्कुल फिट बैठते हैं स्थिर बुद्धि सुख आए दुख आए संपन्नता रहे ना रहे लेकिन उनकी बुद्धि कभी भी ऐसे नहीं हुई कि अरे मुझे भगवान कुछ ही नहीं दे रहा चालीस साल तक वो अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए जुटे रहे कोई नहीं सुनता था उनका है ना कोई उनकी योग्यता को समझ ही नहीं पाया भारत में एकदम अत्यंत तो मतलब गरीबी के इसमें उन्होंने कई कई साल काटे लेकिन उनका जो एकाग्र बुद्धि से उन्होंने लक्ष्य रखा था कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए विदेशों में भी कृष्ण भावना मृत फैलाना है ये उनकी मतलब एक जो एम था चालीस वर्ष तक उनको सक्सेस नहीं मिली और उसके बाद जो सक्सेस मिली है वो अद्भुत है अपने जीवन काल में सत्तर की आयु में उनको जो सक्सेस मिलना चालू हुआ उनके जीवन काल में 108 बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना उन्होंने की है बारह वर्षों में सत्तर के बाद के बारह वर्षों में हाँ याद करिए कि उनकी आयु सत्तर तो हो चुकी थी जब इसकोन की स्थापना की तो सत्तर साल की आयु के बाद बारह वर्षों में उन्होंने चौदह बार पूरे विश्व किस विश्व का भ्रमण किया बारह चौदह बार आप सोचिए बारह सालों में चौदह बार पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया और विश्व का भ्रमण करना कोई आसान बात नहीं है टाइम लैग कितना होता है नींद नहीं होती है शारीरिक कष्ट बहुत होता है लेकिन उनको उन्होंने सब कुछ सहन किया केवल कृष्ण की भक्ति का प्रसार करने के लिए है ना तो ये भी उनकी जो एकाग्रता है स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ ये बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है अब ये बहुत सुंदर दोष लोग आते हैं कितने बजते हम रहते है तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है आप लोग इनको कंठस्थ जरूर कर लीजिए इसमें हमारे साइकोलॉजिकल डाउनफॉल कैसे होता है इसका बहुत सुंदर वर्णन है कोई भी मॉडर्न साइकोलॉजी की बुक ले लीजिए इतना सुंदर वर्णन उसमें कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इतना सुंदर वर्णन ये दो श्लोकों में हमको दिया है क्या है ध्यान विषयान पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ठीक है ये चार स्टेजेस दिए ध्यातो विषयान कौन सा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भिजायते है है ना ये चार स्टेजेस पर दी हुई है। कैसे हमारा डाउनफॉल होता है कि जैसे हम हमने किसी की कार देखी हम स्टूडेंट है और किसी की कार देखी हमने और वो कार इतनी सुंदर है कि हम बस घर भी आ गए तब तो भी वो कार ही हमारे दिमाग में चल रही है क्या क्या सुंदर कलर था आ क्या स्पीड था है ना क्या शानदार उसका गेटअप था वो वट जो कुछ है ना सब कुछ हम कार के बारे में ध्यान करें ध्याय तो विषय सा ठीक है तो कार के विषय में हम ध्यान कर रहे कर रहे कर रहे फिर उससे हमको क्या हो जाता है आसक्ति उत्पन्न हो जाती बोलते कि नहीं नहीं मुझे तो वो कार चाहिए ही पापा मुझे तो ये कार चाहिए ही इतनी अच्छी सुंदर कार है क्या स्पीड है क्या रूप है क्या रंग है सब कुछ बोलने लगते ठीक है अब पापा बोलते हैं जरा रुको भाई ऐसे कार एकदम से थोड़ी ले सकते हैं तो इधर तो हम सोचते जा रहे हैं नहीं मुझे वो वो कार चाहिए, कार चाहिए आसक्ति हमारी तीव्र बनती गई काम में परिवर्तित हो गई अतिशय ज्यादा उसमें आसक्ति तीव्र आसक्ति हो गई और फिर पापा तो लेकर नहीं दे रहे तो फिर क्या होता है तो हमको क्रोध आने लगता है क्या है पापा मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं करते मुझे वो कार चाहिए है ना ठीक है ये चार स्टेजेस में हमारा डाउनफॉल हो गया कहाँ से ध्याय तो पुंसा हमने ध्यान कर हम हमने केवल देखा नहीं है उसको हम उसको अपने अंदर लेकर आए हैं उसके उस कार के रूप को रंग को सबको हमने अंदर धारण कर लिया उसका विचार कर रहे हैं तो वो वहां से लेकर क्रोध तक हमारा डाउनफॉल हो गया उसके बाद क्या हुआ क्रोधात भवति सम्मो सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है इंसान हम्म तो क्या हुआ तो अभी तक तो हमने देखा कि पापा ने ध्यान नहीं दिया मना कर दिया तो हमको गुस्सा आने लग गया और गुस्सा आने लग गया तो हम हमारे मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि ये क्या है पापा ने ये न प्रकार मेरी इच्छा पूरी करना ही चाहिए ये क्या है फिर हम भूल जाते हैं ये सब विचार करते हैं कि पापा ने इसके पहले हमारे लिए क्या क्या नहीं किया कितने हमारे लिए हमारे इच्छाएं पूर्ण की है है ना पापा ने कितने कष्ट उठाए हैं मेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए ये सब जो मेमोरी में था वो सब नष्ट हो जाता है और फिर बुद्धि खो जाती है ये जब हमारी स्मृति चली गई तो बुद्धि भी चली जाती है और जब बुद्धि चली गई तो हम हमारा डाउनफॉल हो जाता है हमारा पतन हो जाता है और हम बारंबार दिख रहे यहाँ पर दिख रहा है हम भौतिक जगत में ही बारंबार जन्म लेते हैं और अदम योनि में जन्म लेने लगते हैं निचले स्तर तक जाने लगते हैं हम ठीक है तो इस प्रकार ये साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की आठ स्टेजेस कितनी सुंदर बताई है भगवान ने है ना तो हमको कभी भी बहुत बार हमको क्रोध आता है तब एक मिनट को रुक जाइए और ओरिजिन कहाँ से है ये ढूंढने की कोशिश करें है ना मुझे आज अभी क्रोध आ रहा है किस कारण से क्रोध आ रहा है भाई हाँ फिर अपना उसका ओरिजिन ढूंढिए कि अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया उसने मुझे निग्लेक्ट कर दिया इसलिए मेरे को क्रोध आ रहा है तो फिर वो वो विचार क्यों आया हमारे मन में कि इसने मुझे निग्लेक्ट किया क्योंकि मैं अपने आप को कुछ रहा हूं। मैं अपने मान सम्मान के योग्य मान रहा हूँ है ना तो उसने मेरा अपमान किया ये ध्याय तो विषयानुपुंश एक प्रकार से वो एक दिमाग के लिए विषय हो गया और फिर हमको धीरे धीरे करके क्रोध आ गया है ना तो ये आठ स्टेजेस जो है वो हम हमको कोई भी स्टेज पर सावधान करने के लिए बहुत उपयोगी है हाँ ज्यादातर हम हम क्रोध के स्टेज तक बहुत जल्दी आ जाते हैं कम से कम क्रोध के स्टेज में ब्रेक लगाएं और उसका ओरिजिन ढूंढे और उसको वही के वही डिसमिस कर दे अपने ध्यान से ठीक है ना तो उससे हमारा आगे का पतन जो है वो रुक सकता है तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी ऐसी आठ स्टेजेस है कैसी है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस है ना फिर उसमें अटैचमेंट हो जाती है आसक्ति हो जाती उससे काम बढ़ता है तीव्र आसक्ति होती है ठीक है फिर तीव्र आसक्ति पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है क्रोध से डिल्यूजन सम्मोह यानी मैं कुछ हूं और ये मुझे मान नहीं दे रहा है है ना तो ये सम्मोह अपने आ, हमारा कंट्रोल निकलने लगता है फिर उससे हमारी स्मरण शक्ति की क्षति होती है कि ये नहीं सोचते हम कि इसके पहले इस व्यक्ति ने मुझे अच्छे से सम्मान दिया है इस बार कुछ गड़बड़ हो गई होगी है ना स्मरण शक्ति जो अच्छाई है उस व्यक्ति की या जो अच्छाई है किसी की वो हम भूलने लगते हैं और फिर हमारे बुद्धि की हानि होती है लॉस ऑफ इंटेलिजेंस और फिर हमारा पतन होता है ठीक है तो ये आठ स्टेजेस बहुत ही सुंदर है हम हमारे प्रत्यक्ष जीवन में हमने इसको लाना चाहिए और उसके लिए वो दो श्लोक जो, जो कंठस्थ कर लेंगे तो आ, सहायता मिलेगी ठीक है स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द श्रीला प्रभुपाद की जय मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो ठीक है ना ये बहुत ही आ, अच्छी बात है या तो एक क्षण में भी प्राप्त कर सकता या फिर लाखों लाखों जीवन भी हम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन फिर भी भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पाएंगे ऐसा भी हो सकता है तो यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है खटवांग महाराज ने अपने मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था प्राप्त कर ली थी तो खटवांग महाराज है कि इसके डिटेल्स मुझे इतने पता नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि उन्होंने जीवन भर भक्त रहे नहीं लेकिन अंत कुछ मिनटों में ऐसा हुआ कि उस, उन्होंने पूर्ण शरणागति ले ली पूर्ण शरणागति केवल मुंह से बोलने वाली बात नहीं है उसमें साइकोलॉजिकली हमको मन से जो तैयारी करनी पड़ती है वो अद्भुत होती है तो इस प्रकार खटवांग महाराज ने मृत्यु के कुछ मिनट पहले भगवान की इस प्रकार से शरण ले ली कि वे मुक्त हो गए है ना? तो इसलिए भक्ति में चाहे तो हम भक्ति एक क्षण में पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं और कभी कभी लाखों जीवन भी हम पार कर जाए फिर भी भक्ति की पूर्णता हम प्राप्त नहीं कर सकते इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है ठीक है भगवत धाम तथा भगवत भक्ति इनके बीच में कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों चरम पद है अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना यानी इसी भौतिक शरीर में रहकर भौतिक जगत में रहकर भी हम वास्तविक भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाए तो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक यहाँ पर भौतिक जगत में हर कोई क्या कर रहा है आहार निद्रा भय मैथुनच बस इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं सारे जीव वे केवल कृष्ण के गुणगान कृष्ण की सेवा है ना इसी में पूरी तरह से रत रहते हैं तो यही अंतर है आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का तो इस जगत में भी रहकर अगर हम पूर्णतया हमारा जीवन जो है कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो वास्तविकता हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए तो इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है तो तो ये तो दूसरा अध्याय जो है सारांश है तो उसमें सब कुछ तीनों भी विषय भगवान ने शॉर्ट शॉर्ट में थोड़े से बताए हैं ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ठीक है तो कृष्णा सोल्यूशन टू अर्जुना ऑब्जेक्शन जो पहले अध्याय में कृष्ण के सामने समस्या सॉरी अर्जुन के सामने समस्याएं खड़ी हुई थी उनका यहाँ पर उन्होंने निराकरण किया है तो पहले अध्याय में अर्जुन बोले हैं मुझे बहुत दया आ रही है कि ये लोग सारे मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे तो उसका निराकरण भगवान ने किया है हम शरीर नहीं है तुम केवल उनको उनके शरीर को मार सकते हो उनकी आत्मा को नहीं और वास्तविक हमारा अस्तित्व आत्मा से है इस प्रकार से उनको समझाया है फिर क्या बोला है अर्जुन ने बोला था कि मुझे कोई आनंद नहीं है उनको मार के। लेकिन भगवान ने बोला भोक्ष से महिम है ना यानी तुम मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य उपभोग करोगे तो इसलिए कोई आनंद नहीं ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है फिर अर्जुन ने बोला था मुझे पाप लगेगा तो भगवान ने बोला भक्ति की गतिविधि में कोई पाप नहीं नेहा विद्यते ठीक है फिर पारिवारिक परंपराएं खत्म हो जाएगी बोला था तो भगवान ने बोला तुम एक प्रेरणा बनो तुम ऐसा जीवन लीड करो तुम ऐसे राजा ये करो कि कोई दूषित ना हो पाए किसी पर जाति जाति ना हो पाए हाँ किसी का शोषण न हो पाए इस प्रकार तुम तो एक प्रेरणादायक बनो ठीक है फिर अर्जुन ने बोला था मैं असमंजस में पड़ गया हूं तब भगवान ने बोला था कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें दृढ़ निश्चय एक व्यवसायात्मिका बुद्धि है ना तो इस प्रकार से सारी शंकाओं का निराकरण कृष्ण भगवान ने कर दिया दूसरे अध्याय में और सारे ही कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग के विषय में थोड़ा थोड़ा प्रतिपादन इसमें स्टार्ट कर दिया आगे जाकर विस्तार से वे बताएंगे ठीक है तो यहाँ तक हमने देखा हमारा दूसरा अध्याय तो खत्म हो गया दूसरा अध्याय हमारा किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं हरे कृष्णा आज तो बड़े बड़े लोगों के हैं हरे, हैं। हरे खटवांग महाराज जी जो है बहुत शक्तिशाली हाँ। राजा थे जी और ये जो है मतलब भक्ति सिर्फ इस पृथ्वी लोक में ही है मनुष्य के रूप में हाँ। तो खटवांग महाराज पे देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे जब उनको पता चला कि मेरी मृत्यु नजदीक है तो पुनः पृथ्वी लोक पे आए और उन्होंने भक्ति की तो भक्ति करने के बाद पूर्ण रूप से कृष्ण को प्राप्त बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद सुशील प्रभु धन्यवाद वेरी गुड uh, सुधीर प्रभु आपको कुछ पूछना है आ, अरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम धन्यवाद माता जी जिज्ञासा थी पहले आपने उसका उत्तर बताया अभी था लेकिन मैं भूल गया मंदबुद्धि हूं <laughs> वो भगवान ने बताया ना कि भगवान विभू आत्मा के रूप में और हम हमारी हम जो हैं अणु आत्मा के रूप में रहते हैं के अंदर है ना तो यही जिज्ञासा थी कि जब ऑपरेशन हार्ट का रिप्लेसमेंट होता है तो अणु आत्मा की क्या स्थिति होती है वो किस जगह फिर रहती आपने बताया था पहले मैं भूल गया माता जी जी हार्ट ट्रांसप्लांट में तो यानी वो व्यक्ति तो वैसा ही रहता है व्यक्ति वैसे ही रहता इसलिए वो ट्रांसप्लांट होते समय भी कैसे तो भगवान की आ, करनी है वो हम तो एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे लेकिन व्यक्ति की आत्मा वैसी की वैसी रहती उस शरीर से ही जुड़ा हुआ रहता है वो और अणुआत्मा विभुआत्मा दोनों भी अपना स्थान आ, वैसे ही बनाए रखते हैं उनमें चेंज नहीं आता जब ट्रांसप्लांट भी नहीं हाँ जगह नहीं चेंज होती वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं ऐसा स्थान उनका है कि जो मतलब कोई ले नहीं पाता तो जब तक वो मनुष्य जीवित है जब तक आत्मा आ, स्थिर है तो वो एक ही जगह पर स्थिर रहेगी ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांट किया तो कुछ उसने स्थान चेंज तो कर दिया है वो, वो जी। जी, जी, ना एनर्जी। हम्म चेतना उसका सिम्टम है तो वो चेतना स्वरूप है वो बदलती नहीं है वो जीव का वैसे ही रहेगा है ना? हरे कृष्ण जी धन्यवाद रोहन प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा रोहन प्रभु आपने हैंड रेस किया है अनीता माता जी हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद माता जी छोटे शब्दों में बता सकते हैं गीता का सार मतलब इसमें क्या गीता का सार ऐसा जैसे पूरी भक्ति भी आ गया हुए मतलब सारा गीता का अध्ययन आ गया है कर्म योग आ गया दिव्य ज्ञान आ गया यहाँ तो जस्ट इंट्रोड्यूस किया है अभी पूरा ज्ञान आया नहीं है अभी विस्तार से तो अभी आगे अठारह अच्छा अध्याय तक हमको पढ़ना है ना तो अठारह अध्याय चलेगा हाँ तो, तो अभी माता जी गीता का सार का मतलब बतला दीजिए बस गीता का सार मतलब जो पॉइंट है उसका नहीं माता जी ऐसे मैं एकदम से अभी तो नहीं बता सकूंगी आपको आगे आगे बढ़कर देखना पड़ेगा देखिए तीन मार्ग बताए हैं मेन मेन ठीक है में -में, कर्म योग भी है ज्ञान योग भी है और भक्ति योग है लेकिन भगवान बार-बार बोलते हैं कि भक्तियोग सर्वश्रेष्ठ है ये भगवान ने भग, भगवत गीता में बार बार बोला हुआ है अब कर्म योग फिर फिर अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान ने ये दोनों क्यों बताए क्योंकि हर आदमी की कैपेसिटी होती है हर एक टेंडेंसी होती है तो कोई कर्म योग से स्टार्ट करता है कोई ज्ञान योग से और कोई एकदम भक्ति में लग जाता है लेकिन भगवान बताते हैं कि आप कर्म योग से स्टार्ट करो फिर भी भगवत प्राप्ति के लिए आपको भक्ति योग तक आना है भक्ति योग करना ही है आप ज्ञान योग से स्टार्ट करो फिर भी आपको अगर भगवत प्राप्ति करना है तो भक्ति योग करना ही है इस प्रकार ये बताया है और नहीं है। ये बार बार भगवान ने बताया है तो इसका सार यही है कि भगवान की शरण ले भगवान को सदैव स्मरण करे भगवान की पूजा करे और इस प्रकार से उनके शरणागत हो जाए तब हम पूर्ण मतलब भक्ति प्राप्त कर सकेंगे ये इसका हम सार बता सकते मन मना मद तो विधि से ही हम भक्ति में पूर्णतः लीन हो सकते हैं ये बताया है तो ये मैं मेरी बुद्धि से ये सार स्वरूप हो सकता है और अंत में बताया सर्वधर्मा परि मामेकम शरण व्रज म सर्व पापे भ्यो मोक्ष माँ शुचर ये में कि सारे धर्मों का आ, धर्मों को छोड़ दो अब धर्म यानी छोड़ दो यानी क्या कि जो जो तुम सोच रहे हो मैं कर्म योग के माध्यम 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 से 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 मैं इसके से, मैं इसके उसके ये सब तुम छोड़ दो भगवान बोल रहे हो माम में एकम शरण मेरी शरण में आओ अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मैं तुम्हारे सर्व पा पापों का नाश कर दूंगा इसके बारे में तुम निश्चिंत रहो डरो मत ऐसा भगवान अंतिम अध्याय में बोलते हैं तो उसको हम एक सार स्वरूप ले सकते हैं लेकिन जो अंतिम आदेश है वो समझने के लिए हमको पूरा भगवत गीता समझना बहुत आवश्यक है ऐसा नहीं कि हम एकदम से जंप कर दे अंतिम स्टेज पर है ना नहीं माता जी हम सब क्लास लेते हैं ना तो अठारो अध्याय हम लोग पूरा कर चुके फिर तिवारी दोहरा रहे हैं बहुत अच्छी बात है माता जी लेकिन बार बार समझ नहीं आता है ना नहीं ये बराबर है इतना नहीं समझ आता है हाँ नहीं बराबर है ये विषय ही ऐसा है कि आप जितनी बार पढ़ोगे जितनी बार ये करोगे ना तो उतना ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा मतलब जी कोई करीब पचपन श्लोक और बासठ श्लोक को याद करने के लिए ये गीता सार का जी याद करिए कुछ अच्छे अच्छे श्लोक इसमें से कुछ याद करिए अब ये तो बहुत इजी होता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामे हाँ माता जी ये तो याद है ये फिर वो मनमना भव मद भक्त वो याद करने वाला है कोई ये दो जो श्लोक मैंने बताया साइकोलॉजिकल डाउनफॉल ये बहुत सुंदर श्लोक है वो याद करिए आप है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है वो मतलब ये हाँ, भी तो याद है ना यार। आ, तो ये ऐसे ऐसे कुछ चुने हुए श्लोक तो हमेशा मतलब याद करने से हमको समय पर वो याद आ जाता है फिर है हाँ, तो समय पर जब जैसे हमको क्रोध आ रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती कर्मण्य वादिका रस या फिर वो ध्याये तो विषयान पुंसा है ना क्रोध आ रहा है अंदर से तो कहीं ना कहीं हमको प्रिक करता है वो विचार कि अरे मेरा डाउनफॉल हो रहा है मैं क्रोध में आ रहा हूँ क्यों आ रहा हूँ तो ओरिजिन पर जाते हैं बराबर है ना तो जी माता जी हरे कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी हरे जी और किसी का प्रश्न है दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी हम लोग सब जानते हैं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए आसक्ति से काम होगा काम से क्रोध होगा क्रोध से भय क्रोध से भ्रम होगा भ्रम से बुद्धि का नाश होगा लेकिन फिर भी हम लोग आसक्ति करते ही हैं तो इससे बचने का क्या उपाय है इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप हायर टेस्ट में जाइए जैसे हमको कोई चीज उपलब्ध होती है लेकिन उससे बढ़िया चीज अगर हमारे सामने आ जाए तो इसके प्रति पहली चीज के प्रति की आसक्ति खत्म हो जाती है हमारी है कि नहीं जैसे आ, आ, कोई एक व्यक्ति झोपड़ी में पुराने जर्जर मकान में रह रहा है तो उसको तब तक लगता है ये मेरा घर है यहां इसको ऐसा करूं दे दे ऐसा करूं और अगर उसको एक बढ़िया सा फ्लैट मिल जाए एकदम अच्छे से उसमें सब किया हुआ है तो फिर उसकी आसक्ति अपने आप उससे खत्म हो जाती है वो झोपड़ी से अरे मैं कहाँ रह रहा था गंदी जगह पर अभी ये देखो कैसी साफ सुथरी जगह है अपने आप होता है ना ये वो करना नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि उसको हायर चीज मिल गई है इसलिए उसकी आसक्ति खत्म हो जाती वैसे ही भौतिक जगत की आसक्ति तब तक रहेगी जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं मिलता और हायर टेस्ट क्या है भक्ति का टेस्ट है जो भक्ति का रस मिल जाता है तब ये सब चीजें एकदम निरर्थक अपने आप लगने लगती है प्रभु उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन हायर टेस्ट मिलना जरूरी है जब हमको अच्छा टेस्ट मिलेगा आ क्या है इसमें इसमें कितना सुख है ये जब हमको पता चलेगा भक्ति का सुख हमको पता चलेगा तब हमको लगेगा अरे ये क्या है ये अच्छा खाना चमचम मतलब -चम, तला हुआ भुना हुआ खाना बोलो या कुछ मूवीज देखना बोलो या ऐसी भौतिक जगत से संबंधित किताबें पढ़ना बोलो ये सब चीजों में रस रह ही नहीं जाएगा अपने आप निकल जाएगा सारी आसक्ति निकलती जाएगी जब हमको पता लगेगा कि मेरा परमानेंट रिश्ता तो कृष्ण से है तब हमको हमारे जो परिवारजन बोलो या मित्र बोलो जो कुछ है उनके प्रति जो एकदम मेरा बोल के जो आसक्ति होती है वो धीरे धीरे हट जाएगी कर्तव्य तो करना है मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कर्तव्य तो हमको बहुत ही जगत में जब तक है तो हमारे सारे कर्तव्य पूरे करने ही हैं लेकिन वो आसक्ति वो अटैचमेंट जो है ना तो वो धीरे धीरे कम होती है जब हमको हायर टेस्ट मिलता है ठीक है ना प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद रोहन प्रभु हरे कृष्णा जी आ, कोई नहीं अभी किसी के प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे हो तो जल्दी से पूछ लीजिए नहीं तो हम क्लास पता जी रोहन प्रभु ने चैट में डाल दिया था प्रश्न अपना रिकॉर्डिंग चाहिए तो अच्छा तो... अच्छा रिकॉर्डिंग तो तो क्लास में हम डाल ही देते हैं डेली रोज की रोज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को और एक दो दिन में आप लोगों को क्विज मिल जाएंगे तो क्विज फिर आपको क्षमा माता जी डिटेल में बता देगी तो रोज माता क्विज का लिंक शेयर हो जाएगा ग्रुप में वेरी गुड वेरी गुड तो आज ही से शेयर हो रहा है आप सभी लोग क्विज जरूर करे क्योंकि अठारह दिन के जो क्विज खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उस सर्टिफिकेट से आप लेवल टू में भी आ सकते हैं ठीक है जय श्री कृष्णा माता जी हरे कृष्णा जी माता जी जी माता जी अभी किसी माता जी ने प्रश्न किया था ना कि जैसे गीता जी का सार क्या है तो क्या ये समझ सकते हैं कि जो जिंदगी का सार भी अगर ये देखा जाए कि शरीर और आत्मा में जो डिफरेंस है क्योंकि जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना इसको सांख्य योग भी बोलते हैं हम जैसे दूसरे अध्याय को तो ज्ञान योग का जो दिया जाता है तो मुख्यतः जैसे श्लोक नंबर ग्यारह से लेके हम तीस तक पढ़ते हैं तो शरीर और आत्मा का डिफरेंस ही समझना मतलब भक्ति योग ज्ञान योग जैसे आपने बताया बुद्धि योग मतलब सब कुछ भगवान ने इसमें दे दिया थोड़ा थोड़ा और इंट्रोडक्शन सब चीजों का कि आगे क्या क्या बताने वाले हैं भगवान लेकिन जो मतलब ऐसे सार की बात जैसे अभिमाता जी ने पूछी तो एक चीज क्या ये समझ में आती है कि जैसे हमें रियलिटी में यही समझना है कि हमारी हमें और हमारी आत्मा दो अलग अलग चीजें शरीर और आत्मा है ना तो मतलब जैसे आपने बताया कि इसी तरह से आत्मा तो वही रहती है लेकिन शरीर जो है वो अपने बदलता रहता है जैसे भगवान कृष्णा ने बताया कि ऐसे अवस्थाएं जो है बदलती रहती है फिर आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो क्या ऐसा समझ सकते हैं कि जो इसका सार है वो सार यही है कि शरीर और आत्मा में हमें डिफरेंस समझना जरूरी है ये बराबर है माता जी लेकिन ये एक एस्पेक्ट हुआ सिर्फ ये ज्ञान का एक एस्पेक्ट हुआ ठीक है ज्ञान के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ज्ञान क्या क्या चीज का होना चाहिए कि ये पदार्थ क्या है भौतिक जगत कैसे निर्माण हुआ है फिर हमारी आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है ये पूरा जब जान पाएंगे तब हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे ये ज्ञान के माध्यम से हो गया माता जी लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने जो फॉर्मूला बताया है वो यही है कि मनमना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु हाँ ये फॉर्मूला जो है जीवन का अंतिम ध्येय जो है वो ये रहना चाहिए ऐसे बताया है ठीक है ना आप जो बोल रहे हैं वो भी बराबर है लेकिन वो केवल ज्ञान की शुरुआत है। कि मैं और मेरा शरीर भिन्न है ये हमारे ज्ञान की शुरुआत है उसके आगे हमको बहुत ज्ञान भी प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त क्यों करना है भक्ति में जाने के लिए ज्ञान अल्टीमेट नहीं है हमारा गोल ज्ञान ये जी जीवन का आपने बताया कि एक साइकोलॉजिकली इंसान जब कोई चीज का चिंतन लगातार करता रहता है तो वो चिंतन भी इसीलिए करता है ना कि जैसे क्योंकि वो शरीर से हर चीज को जोड़ रहा है क्योंकि उस चीज की आसक्ति तभी होती है जब वो शरीर से जोड़ रहा है जब वो शरीर से ही भिन्न हो जाएगा ये बात समझ जाएगा की एक्चुअली में मैं शरीर हुई नहीं या ये जो चीज है ये मेरे से जुड़ी हुई है तो मेन जो रीजन है हम लोगों का या हम लोग भी इसीलिए कि हम मैं फैमिली में अगर अपने बच्चे से आसक्ति रख रही हूँ अपने परिवार से आसक्ति रख रही हूँ या किसी भी चीज मोबाइल फोन या किसी भी चीज से आसक्ति रख रही हूँ तो शरीर से आसक्ति रखने की वजह से ही तो सारे दुखों का जो रीजन एक रिजन आपने बताया कि वो चीज है तो इसीलिए मेरा एक मतलब प्रश्न वो थोड़ा सा जैसे माता ने पूछा तो एकदम से थोड़ा वो किया कि मैं पूछूँ की मतलब, शरीर ये सब जो चीजें हैं बाहरी चीजें ये हमारे देह से जुड़ी हुई है है ना तो देहात्म बुद्धि के कारण ही ये मेरा है ये घर मेरा है ये मोबाइल मेरा है ये मेरा बेटा है है ना ये मेरा परिवार है ये सब मेरा मेरा काहे से जुड़ा है अपने देह से जुड़ा हुआ है लेकिन हम तो देह है ही नहीं है ना तो ये विचार आने के लिए भी मतलब एकदम इजीली होता नहीं है ये सब है ना और ए, मतलब ए, इसके लिए भी तो कुछ भक्ति में प्रगति करेंगे तब धीरे-धीरे देह की आसक्ति खत्म हो जाएगी जैसे मैंने बोला कि हायर टेस्ट जैसे जैसे होगा वैसे ये लोअर सब अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा तो इसके लिए पहले भक्ति का मार्ग हमको ये करना है ये तो सब है ही कर्मयोग ज्ञान योग ये तो है लेकिन अल्टीमेटली हमको भक्ति की तरफ अग्रेसर होना है जब भक्ति का एक रस हमको आ जाएगा तो ये सारे रस अपने आप तुच्छ लगने लग जाएंगे अपने आप ना? जी ना जी माता धन्यवाद यानी कि शरीर से जब आसक्ति खत्म होगी तब भक्ति की तरफ हम अग्रसर होंगे ना या भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे तो ये अपने आप धीरे धीरे जाएगा ये देखिए डिटैच होना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इसलिए कृष्ण भावनामृत में बेसिकली ये नहीं बोलते कि अरे अपना घर बार छोड़ दो आसक्ति छोड़ दो इससे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है भक्ति क्या है कृष्ण क्या है उसके बारे में जानो जब आपको हायर टेस्ट आएगा तभी लोअर टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आप विरक्ति की तरफ पहले मत ध्यान दो पहले आसक्ति कृष्ण की ओर जब उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी तो बाकी सब विरक्ति आ जाएगी अपने आप तो इसलिए पहले तोड़ने को मत देखिए पहले जोड़िए अपने आप को कृष्ण से पहले जोड़ना है हमको ठीक है फिर वो वो अपने आप हो जाएगा विरक्ति अपने आप आ जाती है पहले विरक्ति नहीं सोचिए पहले विरक्ति ना सोचे आप पहले आ सकते कृष्ण की ओर बढ़ाइए फिर वो अपने आप आ जाएगी ठीक है ना माता जी 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 धन्यवाद मैम बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ चलिए तो आज का मुझे लगता सेशन खत्म कर सकते हैं हम वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम अनकोटि वैष्णववृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को <Would University> हरे कृष्ण हरे कृष्ण